हैदराबाद मेट्रो रेल के कॉरिडोर 2 पर जुबली बस स्टेशन था एमजीबीएस रूट को मेट्रो रेल सेफ्टी के कमिश्नर ने मुआयने के बाद सेफ्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी, मेट्रो रेल सेफ्टी के कमिश्नर जेके गर्ग, सीनियर इंजीनियर्स और दीगर अहदेदारों ने इस रूट का मुआयना करने के बाद ये सर्टिफिकेट जारी किया। इस रूट से मुतालिक तमाम हिफाजती उमूर का मुआयना गर्ग ने किया। मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा है कि चूंकि इस रूट को क्लियरेंस जारी कर दिया गया है, लिहाजा हुकूमत बहुत जल्द इस रूट के इफ्तिताह की तारीख का करेगी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता बंदरगाह के 150वीं सालगिरह के मौके पर उसका नाम तब्दील करते हुए श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम मानून करने का ऐलान किया और कहा कि आज से कलकत्ता पोर्ट के नाम से नहीं बल्कि मुजाहिद आज़ादी श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। मगरबी बंगाल वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी इस तकरीब में गैर हाजिर रही। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को एक अजीम कायद और कौम परस्त करार दिया। उन्होंने कलकत्ता बंदरगाह की स्ट्रेटेजिक अहमियत को सराहा। ओमान के सुल्तान के इंतकाल के मामले में हुकूमत हिंद ने एक दिन का सोग मनाने का किया ऐलान। 13 जनवरी को पूरे मुल्क में सोग मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में कौमी परचम निस्फ लहराया जाएगा, यानी झंडे को आधा झुका दिया जाएगा। वहीं सरकारी तौर पर कोई भी तकरीब मुनाकिद नहीं होगी। ओमान का कौमी परचम भी 40 दिन तक सरंगो रहेगा। ओमान में 3 दिन तक सोग मनाने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि सुल्तान बिन काबूस की तालीम तरबियत हिंदुस्तान में ही हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले त्राल में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए। इत्तला के मुताबिक त्राल में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद इतवार की सुबह फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक जब फौज तलाशी कर रही थी तभी मिलिटेंटों ने उन पर गोलीबारी की। इसके बाद एनकाउंटर का किया गया आगाज। अमरीकी रियासत वर्मोंट में एक नया बिल मुतारिफ किया गया है जिसके तहत 21 साल से कम उम्र नौजवानों को सेलफोन इस्तेमाल करने पर 1 साल कैद की सजा और जुर्माना आयद किया जाएगा। इस बिल को S-212 का नाम दिया गया है। हाल ही में रियासती सेनेटर जॉन रिजर्स ने इस बिल को सेनेट में पेश किया। अगर 21 साल से कम उम्र नौजवान सेलफोन रखता है तो ऐसे नौजवान को $1,000 जुर्माना और 1 साल तक जेल में रखा जाएगा। सेनेट में बिल पेश करने के बाद जॉन रॉजर्स ने कहा है कि इन दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम सेलफोन के इस्तेमाल की वजह से हो रहे हैं। यही वजह है कि जब तक नौजवानों की पुख्तगी नहीं हो जाती तब तक उनको फोन से दूर रखने के लिए ये बिल किया गया है पेश। लोकसभा रुकन वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि बीजेपी को मालूम है कि मुल्क के 90% अवाम CAA और NRC के खिलाफ है, उसके बावजूद वो अपनी जिद पर अड़ी है। बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि अवाम ने ही उनको इख्तदार में लाया है और अवाम ही उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। हैदराबाद ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने हफ्ते की देर रात एक इतला पर कार्रवाई करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े हबशीगुड़ा में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को भी कर लिया जब्त। टास्क फोर्स टीम ने जब्त शुदा अशिया और गिरफ्तार शुदा अफराद को पुलिस के कर दिया हवाले। मजीद तहकीकात है जारी। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन होता जा रहा है इजाफा। आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जगतियाल, कुमरम भीम, आसिफाबाद में 10 डिग्री, पेद्दापल्ली कॉमरेडी में 11 डिग्री, मुलुग, वरंगल, जयशंकर, भोपालापल्ली में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की लहर में इजाफे की वजह से रात और सुबह के अवलिन सातों में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग जल्द ही घरों को लौट जाने को दे रहे हैं तरजीह। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने शहरीत तरमीम कानून और NRC के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की अपील करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुजाहिरों से मुतालिक वाकयात की जांच करने और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए एक वसी आला इख्तियारती कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी का उत्तर प्रदेश हुकूमत और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पार्टी ये मुतालबा करती है कि CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरों से मुतालिक वाकयात की जाँच करने और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए एक वसी आला इख्तियार याफ्ता कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए।
हैदराबाद के पेटला बुरुज गवर्नमेंट मेटर्निटी अस्पताल में एक खातून ने अजीब उल खल्क बच्चे को जन्म दिया, जिसके फौरी बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बच्चे को नीलवर अस्पताल में दाखिल कर दिया, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक जहीराबाद टाउन से ताल्लुक रखने वाली सलमा बेगम नामी खातून ने पेटला बुरुज मेटर्निटी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके मुंह और जिस्म के दीगर हिस्से मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं हुए। डॉक्टरों ने बच्चे की पैदाइश के बाद इसे नीलवर अस्पताल कर दिया मुंतकिल। साबिक वजीर गुलाम विनोद हफ्ते को दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में AICC के खाजिन व रुकन राज्यसभा अहमद पटेल, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और आसिक उंडिया की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। इन कायदीन ने जी विनोद को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में किया शामिल। साबिक मरकज वजीर वेंकट स्वामी के फर्जंद जी विनोद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वजीर रह चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील से कबल वो TRS में शामिल हुए थे। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में TRS ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे वो TRS से हो गए थे दूर। उत्कुर मंडल में मुख्तलिफ मौजियात में पल्ले प्रगति का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर नालियों की साफ सफाई की गई और इसके अलावा सड़कों पर जारू कशी की गई। इस मौके पर मुकामी सरपंच सूर्य प्रकाश रेड्डी, नायब सरपंच अब्दुल रहमान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मिस्टर जॉन, वार्ड मेंबर्स मोहम्मद शेख, मोहम्मद इस्माइल, नासिर खान, नरसिम्हा राज, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी टीचर्स भी थे मौजूद। मुस्लिम नौजवान ने खून का हथियार करके बचाई बोन मैरो से मुतासिर हिंदू शख्स की जान और कायम की एक बेहतरीन मिसाल। बताया गया है कि जमुई जिले के झाझा इलाके के रहने वाले नौजवान मोहम्मद जावेद को जैसे ही इत्तला मिली कि झाझा इलाके के एक नौजवान सुनील कुमार को खून की जरूरत है, तो उसने जमुई सदर अस्पताल में जाकर खून का हथियार दिया। पेशे से उस्ताद जावेद के इस पहल की मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है सताइश।